ये मनकामेश्वर मंदिर है लखनऊ का प्रसिद्ध और पवित्र स्थान है। यहाँ का रोचक घटना जुड़ी है, बताते हैं कि भगवान लक्ष्मण यहाँ पे रुके थे और यहीं पे उन्होंने शिव जी की आराधना करी थी। बगल में सामने गोमती नदी है, तभी से ये मंदिर बन गया। इसका नाम मनकामेश्वर है और यहाँ पे जो भी आप मनसा करते हैं वो यहाँ पे आपको मिलती है। इससे आ गए थे और अभी आप लोग जान रहे हैं कि सावन चल रहा है, तो हम लोग अभी चल रहे हैं लखनऊ के एक प्रसिद्ध मंदिर, दिखाते हैं आपको। स्टे ट्यून। लोग आ चुके हैं मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ में। और यहाँ पे लाइन से फूलों की दुकान लगी है, आप प्रसाद ले सकते हैं यहाँ पे चढ़ाने के लिए। चंदन घिस कर टीका लगाया जाता है। ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो ये मनकामेश्वर मंदिर है लखनऊ का प्रसिद्ध और पवित्र स्थान है। यहाँ का रोचक घटना जुड़ी है, बताते हैं कि भगवान लक्ष्मण यहाँ पे रुके थे और यहीं पे उन्होंने शिव जी की आराधना करी थी। बगल में सामने गोमती नदी है, तभी से ये मंदिर बन गया। इसका नाम मनकामेश्वर है और यहाँ पे जो भी आप मनसा करते हैं वो यहाँ पे आपको मिलती है। नीचे चल ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी पाप किए या करेंगे उनको क्षमा करें और सद्बुद्धि दें, लोगों को संसार का कल्याण करें। सच में जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर किया, एक प्योर सी आई भाई और ऐसा लगा कि तन मन एकदम पवित्र हो गया हो। जो भी था बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे। ऐसा लगा कि एकदम मन शांत हो गया है, बिल्कुल पवित्र स्थान था। अगर लखनऊ में रहते हैं और आप कभी नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ।
बेटा हंसी हुई बात पे बात। हम लोग हजरतगंज में हैं और यहाँ पे बहुत जाम लगा है। हम लोग वापस आ चुके हैं मनकामेश्वर मंदिर से। देखा आप लोगों ने कितना शांति देने वाला स्थान है और सच में आज ऐसा जा के लगा वहाँ पे मन आत्मा एकदम पवित्र हो गई है और एकदम शांत हो गई। तो अगर आप लखनऊ में हैं तो मैं यही कहूँगा आप एक बार ज़रूर जाइए वहाँ पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।